Hello, good morning, India. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें wifistudy चैनल को. और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं. हेलो गुड. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाईस्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाईस्टडी में, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमिक ग्रुप. तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे अपन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो कि था क्वेश्चन द डे. उसके बाद देखेंगे और कई सारे 10-11 क्वेश्चन जो कि आज के हमारे करंट अफेयर के हैं और आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत काम आएंगे. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, ओपन डोर पॉलिसी जो हाल ही में खबरों में थी, भारत और किस देश से संबंधित है. तो दोस्तों, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए. ओपन डोर पॉलिसी एक ट्रेड पॉलिसी है, जो कि क्या, ओपन डोर यानी कि इजीली आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, आप पे कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते ट्रेड करने को लेकर. तो दोस्तों देखिए, भूटान और नेपाल दोनों के साथ अपन ओपन डोर पॉलिसी जो है वो अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो आंसर क्या होगा आपका, ए और बी दोनों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 वैश्विक स्वास्थ्य खबरों की एक सूची जारी की है, जो WHO और स्वास्थ्य भागीदारों से तत्काल ध्यान देने की मांग करते हैं. निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल है. तो WHO और जितने भी बाकी ठीक है हेल्थ पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक सूची बनाई है ठीक है. और यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिजीज की, तो दोस्तों HIV भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, कैंसर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और साथ में डेंगू भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. ओके, तो और साथ में आपको WHO के बारे में भी पता होना चाहिए दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है. हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा के अंदर है, और 1948 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था. और हेड कौन है अभी, टेड्रोस. टेड्रोस वो पर्सन है जो कि अभी WHO के हेड हैं ठीक है दोस्तों. तो ये आपको ध्यान रखना है. चलते हैं आगे की तरफ. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ करतारपुर कॉरिडोर के निर्देशांक साझा किए हैं. तो आपको बताना, रिसेंटली इंडिया हैज शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ करतारपुर कॉरिडोर विद व्हिच कंट्री. तो भारत में करतारपुर वाला जो आपको मालूम है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये कॉरिडोर है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो भारत ने इसके साथ में शेयर करे हैं ठीक है. एक प्रस्तावित सीमा गलियारा है जो डेरा बाबा नानक साहिब और गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के सिख मंदिरों को जोड़ता है. आगे चलते हैं. निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. तो दोस्तों, ICC के 3 अवार्ड तीनों कोहली के नाम, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ODI प्लेयर, टेस्ट प्लेयर, पहली बार ऐसा हुआ है और कोहली ने ऐसा कर दिखाया है. तो विराट कोहली आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है. और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है वो गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी जो है ये देता है, प्रतिवर्ष उन खिलाड़ी को देता है जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं. ओके, और पहली बार 2004 में राहुल द्रविड़ को ये प्रदान किया गया था. कौन सा शहर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 का आयोजन स्थल है. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पे किया गया दोस्तों, इंदौर के अंदर इसको किया गया है. तो आप देख सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 DIPP भारत द्वारा समर्पित मध्य प्रदेश सरकार के निवेश प्रोत्साहन का कार्यक्रम है ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. अगला देखते हैं, PM मोदी ने किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया है. तो कल हमने करंट अफेयर में डिटेल में इसके बारे में पढ़ा भी था कि मोदी जी ने रेड फोर्ट के अंदर जो है वो सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे म्यूजियम जो है ना वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया है. और ना सिर्फ सुभाष चंद्र बोस, जो INA से भी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं
वो भी सारे यहाँ पे आर्टिफैक्ट जो है यहाँ पे इनॉग्रेट करे गए म्यूजियम के अंदर। सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे आता है दोस्तों वो 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 1897 को इनका बर्थ हुआ था, कहां पे, कटक के अंदर, ओके। और जो इनका देहांत हुआ है, अभी तक काफी सालों तक तो ये भी मिस्ट्री रही है कि देहांत हुआ है कि नहीं हुआ है, या बाद में वो अपने नॉर्मल जो डेथ है उनकी वैसे हुई है, ओके। तो 18 अगस्त वो डे था जिस दिन उनका प्लेन क्रैश हुआ था, 1945 कहां पे, फार्मोसा, जो ताइवान वाला एरिया है, ताइपेई वाला जो एरिया है वहां पे, ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी भी बनाई थी आईएलसी के अलग होने के बाद में, और ये जो नई दिल्ली के अंदर जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन दोस्तों किया गया है, ओके। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये दोस्तों वर्ल्ड जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है इसके द्वारा ये आउटलुक जो है वो जारी किया जाता है, जिसके अंदर वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में बातचीत करी जाती है, ठीक है। और अगर मैं आईएमएफ के बारे में बात करूं तो आपको मालूम है दोस्तों क्रिस्टीन लिगार्ड, ठीक है, क्रिस्टीन लिगार्ड है जो कि इसकी हेड है आईएमएफ की, और हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, इसका फॉर्मेशन इसका हुआ था 27 दिसंबर 1945 को, ओके। कितने देश इसके मेंबर है दोस्तों, 189 कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो ये आपको ध्यान रखना है, यूएस में इसका फॉर्मेशन हुआ था ब्रेटन वुड के द्वारा, है ना। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट बात करते हैं, सीईओ भी ध्यान रखना है, क्रिस्टीन लिगार्ड है। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे और सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे। तो इंडस्ट्रीज को लेकर एक सर्वे और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सर्वे, दोनों किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आरबीआई के बारे में आपको मालूम ही है, शशिकांत दास अभी अपने आरबीआई के हेड है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और बैंक रेट भी आपको ध्यान रखनी है, 6.75 है जो कि अपनी बैंक रेट चल रही है, ठीक है। रिजर्व की बात करें तो 4% रहता ही है, और कौन सा एक्ट के द्वारा बनाया गया था आरबीआई, आरबीआई एक्ट आया था 1934 के अंदर, और उसने ऑपरेशन अपने कब से स्टार्ट किए थे, आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से अपने जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट करे थे, ओके। और ओसबोर्न स्मिथ थे जो कि फर्स्ट गवर्नर थे, और देशमुख जी पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। तो ये सब भी आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां देखते हैं अगला सवाल, आधार कार्ड अब निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में जाने वाले भारतीयों के लिए एक वैध यात्रा दस्तावेज है। तो पहले दोस्तों आधार सिर्फ और सिर्फ आपके कहीं पर रेसिडेंट होने का प्रूफ था, सिटीजन होने का प्रूफ नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली दोस्तों इसको सिटीजनशिप का भी प्रूफ जो है वो मान लिया गया है कुछ देशों में, जहां इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेपाल और भूटान के अंदर आप सिटीजनशिप के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है ये वहां पे बन चुका है, ओके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय बंदरगाह बन गया है। दुनिया के शीर्ष 30 की बात करें दोस्तों तो JNPT यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है दोस्तों ये दुनिया के 30 के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कई बार JNPT के बारे में बोलते हैं, काफी हाई ट्रैफिक वाला पोर्ट है अपने इंडिया का ये, ओके। तो और मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मतलब वो जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्ट है, और कंटेनर कार्गो हैंडलिंग ये सारे काम करता है, ठीक है। और अभी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है, नीरज बंसल जी जो कि चेयरमैन इंचार्ज है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो कालाहारी डेजर्ट के बारे में आपको बताना है, ओके। कालाहारी डेजर्ट की बात करें दोस्तों तो ये कहां पर है, ये आपके अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओके। अगला सवाल देखते हैं, ये आप देख सकते हो, बोस्तवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ये जो एरिया है दोस्तों ये किसका, कालाहारी डेजर्ट का एरिया है। लार्जेस्ट सेमी एरिड सैंडी सवाना है साउथ अफ्रीका के अंदर, जो कि 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर फैला हुआ है, जिसमें बोस्तवाना कवर हो जाता है, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साथ में नामीबिया, ये तीनों देश इसके अंदर कवर अप हो जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, एरो 3 या हेड 3 इजराइल और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित विकसित और निर्मित एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपको बताना है एरो 3 जो है वो किन दो देशों के द्वारा डेवलप करी गई है।
तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसके अंदर अपन ने डिस्कस करें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में दोस्तों जो अपना 8 बजे वाला जो करंट अफेयर सेशन होता है उसको जरूर ज्वाइन किया करो, वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों वापस 8 बजे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर द हिंदू और बाकी लीडिंग न्यूज़पेपर के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।